स्वागत है आपका एचजे एडुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स को जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, एक कोर एलिमेंट होता है, और मार्केटिंग के अलग अलग स्ट्रेटजीज की सहायता से प्रोडक्ट को कस्टमर्स के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। प्रोडक्ट ही वो एलिमेंट है जिस पर कंपनी का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। आगे, प्रोडक्ट ही वो एलिमेंट है जो कि कस्टमर्स के मन में ब्रांड का पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज को बनाता है। दूसरी तरह से कहा जाए, कस्टमर्स के मन में ब्रांड को लेकर परसेप्शन प्रोडक्ट के माध्यम से ही बनता है। तो अगर यह कहा जाए कि प्रोडक्ट ही कंपनी को मार्केट में एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है, तो हम लोग गलत नहीं होंगे। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम यह पता चलता है कि प्रोडक्ट कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्ट के अलग अलग इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। पहला इम्पोर्टेंस है बिल्डिंग कनेक्शंस एंड ओपिनियंस। प्रोडक्ट का क्वालिटी, अपीयरेंसेस यानी कि डिजाइन और फंक्शनैलिटी कस्टमर्स के ओपिनियन को प्रभावित करता है और कस्टमर्स का ब्रांड के साथ कनेक्शन को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, ब्रांड के साथ कनेक्शन को बिल्ड करने में हेल्प करता है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और लॉयल कस्टमर्स का बेस बनाने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर कंपनी का ड्यूटी होता है, ब्रांड का ड्यूटी होता है कि वह एफर्ट लगाकर प्रोडक्ट को कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंसेस और नीड्स के हिसाब से डेवलप करे। अगला इम्पोर्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट। प्रोडक्ट सारे मार्केटिंग प्रोग्राम का, सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और अगर यह कहा जाए कि प्रोडक्ट मार्केटिंग के सारे एक्टिविटीज का, मार्केटिंग के सारे प्रोग्राम्स का सेंटर में होता है, तो गलत नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ, कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी या कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम प्रोडक्ट को ध्यान में रखने के बाद ही स्टार्ट होता है, चाहे सेल्स प्रमोशन का एक्टिविटी हो, एडवर्टाइजिंग का एक्टिविटी हो या डिस्ट्रीब्यूशन का एक्टिविटी हो। अगला इम्पोर्टेंस है टूल फॉर कॉम्पिटिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऐसे में कंपनी को प्रोडक्ट डेवलप करते समय बहुत ध्यान रखना होगा ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल सारे प्रोडक्ट्स की तरह ना हो। मतलब कंपनी को चाहिए कि वह मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट्स को लेकर आए जिसका फीचर्स अलग हो और कस्टमर्स को वैल्यू भी प्रोवाइड करता हो। तो ऐसा यूनिक प्रोडक्ट कंपनी के पास उस टूल की तरह होता है जो कंपनी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है। अगला इम्पोर्टेंस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जिसे कस्टमर्स कंज्यूम करते हैं। जब प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, सुपीरियर होता है, तो कस्टमर्स का नीड्स और रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल होता ही है। साथ ही साथ ऐसा प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करता है। आगे, जब प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर्स के मन में ब्रांड को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर एक पॉजिटिव इमेज बनता है और कस्टमर्स का ब्रांड और प्रोडक्ट के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। अगला इम्पोर्टेंस है सक्सेस ऑफ द कंपनी एंड ब्रांड वैल्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कंपनी के सक्सेस के लिए जिम्मेवार होता है। तो अगर हम लोग यह कहें कि कंपनी का सक्सेस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो हम लोग गलत नहीं होंगे। अच्छा प्रोडक्ट कंपनी का सेल्स को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है, मार्केट शेयर को बढ़ाता है। जब कंपनी कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो फिर कस्टमर्स का कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ता है और कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज होता है। अगला इम्पोर्टेंस है नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। प्रत्येक सोसाइटी का कुछ नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स होता है, तो उन नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराती है। प्रोडक्ट्स के अलग अलग टाइप्स को पढ़ते हैं। पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहेंगे जिसको इंडिविजुअल व्यक्ति या हाउसहोल्ड के कंजम्पशन के लिए डिजाइन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। इंडिविजुअल कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को पर्सनल यूज के लिए परचेस करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सिंपल आइटम्स जैसे कि फूड, बेवरेजेस, ब्रेड, मिल्क, न्यूज़पेपर आदि हो सकता है, या स्पेशलाइज्ड आइटम भी हो सकता है जो इंडिविजुअल का स्टेटस दिखाता हो या
कोई यूनिक फंक्शंस परफॉर्म करता हो। प्रोडक्ट्स को सही से मार्केट करने के लिए मार्केटर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं ताकि प्रोडक्ट से जुड़ा प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया जा सके और टारगेट कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को सही से पहुंचाया जा सके। मार्केटर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं ताकि प्रोडक्ट से जुड़ा प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सके और टारगेट कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स को सही से पहुंचाया जा सके। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बांटते समय प्रोडक्ट का पर्पस और यूज को भी देखा जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को फॉलोइंग पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स उन आइटम्स को दिखाता है जिसको परचेस करने के लिए कस्टमर्स मिनिमम एफर्ट्स लगाते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स रिटेल स्टोर्स में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और लो प्राइस में अवेलेबल होता है, जैसे कि ब्रेड, मिल्क, न्यूज़पेपर, डिटर्जेंट, मैगजीन्स आदि। जब कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग किया जाता है तब मार्केटर यह प्रयास करता है कि प्रोडक्ट इजीली एक्सेसिबल हो और कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को आसानी से परचेज कर सकें। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स के केस में ऐसा हो सकता है कि कस्टमर्स ब्रांड लॉयल्टी ना दिखाएं बल्कि जो प्रोडक्ट्स आसानी से अवेलेबल हो उसे ही परचेज करें। अगला है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को दिखाता है जिसको परचेज करते समय कस्टमर्स कंपैरिजन करता है, इवेल्युएशन करता है, तब जाकर यह डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट्स को परचेज करना है कि नहीं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स के केस में कस्टमर्स ज्यादा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करता है, रिसर्च करता है और सारे ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर भी करता है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करते समय प्रोडक्ट्स के यूनिक फीचर्स, क्वालिटी और प्राइसिंग पर फोकस किया जाता है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स आदि। अगला है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स यूनिक और एक्सक्लूसिव आइटम्स होते हैं जिनका डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज होता है। कस्टमर्स स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को एक्सटेंसिवली खोजते हैं और उन प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइस भी पे करने को तैयार होते हैं। आमतौर पर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के केस में कस्टमर्स का ब्रांड के साथ स्ट्रांग एसोसिएशन होता है। असल में स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के केस में कस्टमर्स रेयरली प्रोडक्ट्स को दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं। हाई क्वालिटी फूड आइटम्स, लग्जरी वॉचेस, डिजाइनर क्लोथ्स, लग्जरी कार्स आदि कुछ एग्जांपल्स हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स उतना वाइडली अवेलेबल नहीं होता और जो प्रोड्यूसर्स स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वे ब्रांड इमेज को बिल्ड करने में काफी एफर्ट लगाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिव और सुपीरियर क्वालिटी का दिखाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रोडक्ट है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स उन गुड्स या सर्विसेज को कहेंगे जिसके बारे में कस्टमर्स ज्यादा अवेयर नहीं होते या कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा नहीं खोजते, एक्टिवली नहीं खोजते। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के पर्पस के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना जानकारी नहीं है, कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि ऐसा भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स का डिमांड तब अराइज होता है जब कस्टमर्स कोई इमरजेंसी फेस करता है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स आदि। जब कंपनी अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करती है तब उसका ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर्स को अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करना, कस्टमर से प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट करना ताकि प्रोडक्ट्स का बेनिफिट और इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को बताया जा सके और प्रोडक्ट्स का प्रॉपर सेल कराया जा सके। अब तक हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, चलिए अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के केस में कस्टमर्स इंडिविजुअल पब्लिक नहीं होता बल्कि बिजनेसेस होते हैं। कहने का मतलब हुआ एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बेचती है। जब बिजनेसेस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाती है तब उस प्रोडक्शन प्रोसेस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को देखते हैं। पहला रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स अनप्रोसेस्ड गुड्स को कहेंगे जिसका प्रयोग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन करने में होता है। रॉ मटेरियल्स का यूज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और अन्य मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। रॉ कॉटन, आयरन ओर, वुड्स आदि कुछ एग्जांपल्स होते हैं रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल्स का मार्केटिंग परफॉर्म करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन को बिल्ड करना होता है और यह इंश्योर करना होता है कि रॉ मटेरियल्स का सप्लाई मेंटेन रहे, स्टेबल रहे। अगला है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स वे प्रोडक्ट्स होते हैं
जिनको जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। दूसरी तरह से कहा जाए तो कंपोनेंट्स को इसलिए परचेस किया जाता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। जरूरत पड़ने पर कंपनी कंपोनेंट्स को रिफाइन करती है, प्रोसेस करती है और कंबाइन करती है ताकि नया प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके। ऐसा हो सकता है कि कंपोनेंट्स को कई स्टेजेस से गुजरना पड़े। अगला है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स उन आइटम्स को कहेंगे जिसका उपयोग बिजनेस इसलिए करती है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सके। आमतौर पर कैपिटल गुड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखाता है और इसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर पड़ता है। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हो सकता है, मशीन पार्ट्स हो सकता है आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्विसेज को पढ़ते हैं। कंपनी के द्वारा ऑफर किया जाने वाला इनटेंजिबल ऑफर्स होता है सर्विसेज, जो कि कस्टमर्स या बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सर्विसेज को फॉलोइंग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज उन सर्विसेज को कहेंगे जो इंडिविजुअल नीड्स को केटर करता है, जैसे कि फिटनेस ट्रेनिंग, ट्यूटोरिंग आदि। जब पर्सनल सर्विसेज का मार्केटिंग किया जाता है तब कंपनी कन्वीनियंस, एक्सपर्टीज और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जैसे एस्पेक्ट को हाईलाइट करती है। अगला है प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक्सपर्ट सर्विसेज और स्पेशलाइज सर्विसेज को दिखाता है प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि लॉयर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, कंसल्टेंट्स के द्वारा, अकाउंटेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज का जब मार्केटिंग किया जाता है तो प्रोफेशनल्स का एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन को हाईलाइट किया जाता है। अगला है हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल सर्विसेज। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रिटेल स्टोर आदि रिटेल और हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर आते हैं। इन सर्विसेज का जब मार्केटिंग परफॉर्म किया जाता है तब कस्टमर्स को एक्सपीरियंस, कन्वीनियंस और एम्बियंस के बारे में बताया जाता है। अगला है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आदि आता है। इन प्रोडक्ट्स का जब मार्केटिंग किया जाता है तब सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पर फोकस किया जाता है।